वेलकम टू नेहाज़ यूनिक किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश, ये है इटालियन पास्ता। ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ये मैक्रोनी को मैंने पहले से बॉईल किया है। 1 मीडियम साइज़ ऑफ ऑनियन है, 2 ग्रीन चिलीज़ है, वेजिटेबल जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं, और चिलीज़ भी हम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर स्पाइसी चाहिए तो। ऑनियन को हमें कम्प्लीटली ब्राउन नहीं करना है, बस हमारा ऑनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें हम 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, फिर इसे हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। चिली को हम बीच में से कट करके डालेंगे, फिर इसमें हम सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। आप इसमें ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो, ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हो, मैंने सिर्फ कैरेट, कैप्सिकम और कॉर्न को यूज़ किया है। बच्चों को जो वेजिटेबल्स पसंद है आप वो डालें। फिर इसमें हम बॉईल किया हुआ मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी जब बॉईल रहती है तो बहुत ही कम समय में हमारा पास्ता बन जाता है। इसे हार्डली 10 मिनट्स लगता है पकने के लिए, लेकिन खाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हम पैन में 3 टेबल स्पून ऑफ बटर डालेंगे, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर से टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। फिर इसमें हम 2.5 टेबल स्पून ऑफ मैदा डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे और हमारी फ्लेम लो रहेंगी। आप फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करें और मीडियम भी नहीं करें, क्योंकि हमारा मैदा और बटर दोनों भी जल जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें हम 1.5 कप ऑफ मिल्क डालेंगे, आप चाहे तो रॉ मिल्क भी डाल सकते हैं। हम मिल्क को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता हम घर में भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसमें एक साथ में मिल्क नहीं डालेंगे क्योंकि लम्स बन जाएगा, फिर हमें विस्क करने मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे, क्योंकि अगर हम बीच में स्टॉप कर लेंगे तो फिर से लम्स बन जाएगा। इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। फिर इसमें हम 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑफ पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ ओरिगैनो, 1/2 कप ऑफ चीज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखिए ये हमारा थिक होते जा रहा है, हमें एकदम से थिक नहीं करना है इसे, क्योंकि पास्ते में थोड़ा सॉस ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉस भी बन गया, पास्ता भी हमारा रेडी है। आप चाहे तो पास्ता में भी सॉल्ट डाल सकते हैं, मैंने इसमें सॉल्ट डाला है अभी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सॉल्ट अच्छे से सब में मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम धीरे धीरे करके हमारा वाइट सॉस डालेंगे। हम ये पास्ता सर्व करने से पहला ही हम सॉस को मिक्स करेंगे, उसके पहला हम मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि सॉस बहुत ही थिक हो जाएगा पास्ता में जाके। इसीलिए हम खाने से कुछ ही मिनट पहले इसे मिक्स करके 2 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। हमारे गेस्ट आ रहे हैं और हमने ये पास्ता बनाया है, तो हम दोनों पास्ता और क्रीम को रेडी कर लेंगे, लेकिन दोनों को मिक्स हम सर्व करने के टाइम पे करेंगे, उसके पहला नहीं करें। और अगर हमारा सॉस थिक हो गया है उस टाइम, तो हम इसमें 1/2 कप ऑफ दूध या 1/2 कप ऑफ वाटर डालेंगे ताकि हमारा सॉस थोड़ा सा पतला हो जाए। फिर हम मैक्रोनी में ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट्स के लिए दम पे रखेंगे। ये बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली इवनिंग स्नैक्स है, आप इसे मज़े से खा सकते हैं। आप बिना वेजिटेबल्स के इसे बनाए तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे ये बहुत ही पसंद आया, आप भी बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।